Hello dear students, today we will learn chapter 9 Independence Day and chapter 10 They Made Us Proud to be Indians. I hope कि chapter 1 से 8 तक का work आपने अपनी textbook में अच्छे and proper handwriting में complete कर दिया होगा. So let's start chapter 9 Independence Day. इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिन. स्वतंत्रता दिन का मतलब क्या होता है, क्यों हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया यानी कि जो हमारी कंट्री है वो ब्रिटिशर्स के रूल में थी और जो भी उनके रूल से हमें उसको फॉलो करके ही चलना पड़ता था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमें कुछ भी वर्क करना है तो हमें किसी के रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी रेड फोर्ट. रेड फोर्ट यानी कि लाल किला. तो हम हर साल इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पर फ्लैग कहाँ पर होइस्ट होइस्ट यानी कि लहराते हैं, तो हर साल हम इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे पर फ्लैग रेड फोर्ट यानी कि रेड फोर्ट जो दिल्ली में आया हुआ है वहाँ पर हम अपना फ्लैग लहराते हैं. नाउ एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15th ऑगस्ट एज अवर इंडिपेंडेंस डे. यानी कि हर साल 15th ऑगस्ट का जो दिन है उसको हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट. यानी कि हमारे कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो हर साल रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर अपना नेशनल फ्लैग है जो हमारा नेशनल फ्लैग उसको लहराते हैं वहाँ पर. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी वन मैन एंड ही इज जवाहरलाल नेहरू. तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हमारे कंट्री का अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है वो तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हमारे कंट्री के अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है. सो हमारे कंट्री के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे. नेक्स्ट वन इज क्विज टाइम. हियर टिक द करेक्ट आंसर यानी कि जो ऑप्शन है उसमें से आपको करेक्ट आंसर है उसमें टिक करना है. सो फर्स्ट वन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे यानी कि हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं. सो ऑप्शंस आर ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त एंड सी 2 अक्टूबर. सो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको यहाँ पर बी में टिक करना है. आफ्टर दैट सेकेंड नंबर इज वेयर इज द नेशनल फ्लैग होइस्टेड ऑन इंडिपेंडेंस डे बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. यानी कि हमारा नेशनल फ्लैग है वो इंडिपेंडेंस डे पर कहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो होइस्ट करते हैं. तो ऑप्शन है ए द प्रेसिडेंट हाउस, बी द इंडिया गेट एंड सी द रेड फोर्ट. तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग रेड फोर्ट पर अपना फ्लैग है उसको होइस्ट करते हैं. सो आंसर विल बी सी द रेड फोर्ट. एंड थर्ड वन इज वो होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे एट द रेड फोर्ट दिल्ली. यानी कि दिल्ली में रेड फोर्ट पर कौन हमारा नेशनल फ्लैग है उसको लहराता है. सो ऑप्शंस आर ए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. तो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर है यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वही हमारे रेड फोर्ट पर फ्लैग को होइस्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 दे मेड अस प्राउड टू बी इंडियंस. यानी कि इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे पर्सन के बारे में सीखना है जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हम इंडियन है उसके ऊपर गर्व कर सकते हैं. ये सभी इंडियन पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने या तो हमारी देश के फ्रीडम के लिए हमें हेल्प की है या तो किसी पुअर की हेल्प की है. सो इस चैप्टर में हमें ऐसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में देखना है. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 दे मेड अस प्राउड टू बी इंडियंस. नाउ हु इज दिस इन दिस पिक्चर. आप सबको पता ही है कि ये कौन है. हम पैसे जो यूज़ करते हैं रुपीज़ उसमें भी ये पर्सन है जिसका फोटो होता है. तो ये कौन है? यस इट इज़ महात्मा गांधी. सो महात्मा गांधी है वो हमारे
देश के पिता यानी कि फादर ऑफ अवर नेशन भी कहलाते हैं। फादर ऑफ अवर नेशन कौन है? तो महात्मा गांधी। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो एक आयरन मैन से भी जाने जाते हैं, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमें यहाँ पर सरदार पटेल लिखना है जहाँ पर जगह दी गई है उधर। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम है वो एक साइंटिस्ट थे, यानी कि एक वैज्ञानिक थे, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई पूछे कि हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आंसर में आएगा APJ अब्दुल कलाम। ही इज़ ऑल्सो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी वन लेडी। सो हु इज़ सी? सी इज़ सेंट टेरेसा एंड सी ऑल्सो हेल्प सिक एंड पुअर, यानी कि जो लोग बीमार है एंड गरीब है उनको वो हेल्प करती थी। एंड सेंट टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी टू मैन एंड दिस टू मैन आर फेमस TV एक्टर। सो इन फर्स्ट पिक्चर हु इज़ दिस? ए अमिताभ बच्चन एंड बी आमिर खान। सो आप सबको अच्छे से पता ही है कि ये कौन है। सो फर्स्ट पिक्चर में है वो कौन है? अमिताभ बच्चन। तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन में टिक करना है। एंड आफ्टर दैट इन सेकेंड पिक्चर देर आर टू ऑप्शन गिवन, ए प्रभुदेवा एंड बी रजनीकांत। तो आपको ये भी पता ही होगा कि ये कौन है। सो यस, ही इज़ रजनीकांत। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में टिक करना है। अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 कंप्लीट करना है। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।